बंगाल टाइगर। और बंगाल टाइगर ये देखो, शोला भी हो गया आप सबको, और सब खैरियत है, तबीयत ठीक है, मजे में। मैं काफी टाइम बाद अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ कराची बैरियर टाउन के अंदर। अगर हमारे पास टाइम हुआ और मेरे पास चांस हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डेंजू अंदर किस तरह से है। और सुना है कि बैरियर टाउन, भाई मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का पहले, और सुना है कि दुबई जैसा बनाया हुआ है। अब देखते हैं, हमें तो पता है दुबई का क्या हिसाब किताब है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा भाई, कम से कम 67-68% वो वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is... वालेकुम सलाम, बड़े लोग बड़े लोग, क्या हाल है? खैरियत बना रहे हैं सर, आप भी? और सब खैरियत है भाई? 50 करोड़ लोग देखना शुरू हो गए यार, फीलिंग आई है वैसे दुबई वाली, अंदर घुसते के साथ ही टच आ गया भाई जान। म्यूजिक का क्या सीन है बॉस? म्यूजिक खत्म हो गया, ऑफ है, बिल्कुल ऑफ है ना। मैं बता था, उस्ताद जी बहुत मंजे हुए आदमी है, गायकी के हिसाब से, क्लासिकल के हिसाब से। मैं सुनता हूँ बस आज, अब सुन रहे हैं वैसे। इन्होंने ऐसा ऐसा गाया कि हम सुनते रहे इनको सुन के। सुनता हूँ बस, नाइट ड्यूटी है ना, हैंड फ्री लगा के बस। जमाने के जो भी चल रहा होता है आजकल। तो यार वाइब तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और वाकई में दुबई वाली फील देने की पूरी कोशिश की है और आ भी रही है काफ़ी हद तक, और बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन वाकई में बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अभी इसको और एक्सप्लोर करता हूँ और दिखाता हूँ इंशाल्लाह आपको। भाई बैरिया के अंदर हमारी ये सवारी तैयार हो गई है, इस पर निकल रहे हैं गश्त पे। अब देखो आगे पीछे राउंड मारते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये पाकिस्तान वाली फील आई ना एकदम। ये देखो भाई, पाकिस्तान वाली फील आई, क्या बात है यार। दुबई भी बना के दे दो, लेकिन रहना वैसा ही है यहाँ पे। फाइन नहीं पड़ रहे ना वहाँ की तरह? अच्छा यहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी वो फाइन करवा लेंगे, लेकिन ये सिनेमा है, सिने गोल्ड। ये देखो भाई बैरिया का सिनेमा, वो आर्टिस्ट पर हुआ वैसा। सामने हम खड़े हुए थे, इधर इधर यहाँ से आ रहे हैं। टेंशन ही नहीं, लोगों को मौत की परवाह ही नहीं है, चले जा रहे हैं।
अच्छा डेंजो की तरफ, ये अंडरपास जा रहा है उस तरफ, ये ऊपर लिखा हुआ भी है डेंजो। तो भाई आ गया हूँ मैं बैरिया के जू जिसका नाम है डेंजो। अभी आपको दिखाता हूँ अंदर जाके मैं, इसका एंट्रेंस है ये, ये देखो भाई। अच्छा भाई ये दो टिकट्स मिली हैं दो लोगों की 2000 की, मतलब एक टिकट 1000 रुपए की एडल्ट की। तो ये टिकट्स के बदले में हमें ये मिला है क्या, ये कार्ड्स मिले। ये देखो एक गिर भी गया कार्ड। अच्छा भाई ये एंट्रेंस आ गई है इसकी, और ये एंट्रेंस के बाद ये फास्ट फूड वगैरह के स्टॉल्स और कॉर्नर्स आ गए हैं यहाँ पे। और ये रहा मैप। तो अगर आप चाह रहे हो कि अपना टाइम बचाओ और आप सही तरह से इसको एक्सप्लोर करो, तो ये मैप आपके सामने आ गया ना, बैरिया का जो डेंजो का मैप जो है। सफाई हो रही है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा हुआ है, काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, गार्बेज बॉक्सेस हैं जगह जगह पे। तो उस तरह से नहीं है ये जू जिस तरह से नॉर्मल एक हम किसी भी शहर में जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने इसको। मोर रखे हुए भाई, ये है शितर मुर्ग ऑस्ट्रिच। अच्छा अभी भी अगर हम इसको दिखाइए, देखिए बैठा हुआ है देखो, उसके बावजूद भी इसकी गर्दन हमारे कंधे तक आ रही है। एकदम एक्टिव हो गया हमें देख के, देखो अभी बैठा हुआ था है, बैठा हुआ अभी भी है। पर वर खोलने शुरू कर दिए इसने, मुंडी इस तरह हिला रहा है। और बहुत तेज भागता है भाई ये, वो इसका साइज देखो, नकली भी कितना बड़ा है और असली होते हैं इतने बड़े बड़े भाई। अब ये आपको खाएगा भाई तो फिर आप कहाँ जाओगे ये बताओ, अगर असली इतना बड़ा आ गया तो। ये डक सेक्शन आ गया भाई, बत्तखें मिलेंगी आपको। और करीब कर दें ज़रा इसको, मजे से घूम रही है पानी के अंदर, कोई टेंशन नहीं है भाई। दुनिया भर के अंदर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग मशहूर है ना, हर जगह पे इंसानों वाली क्रॉसिंग जो होती है, जिसमें आप बोलते हो कि हमारा राइट है गाड़ी वाला रुकेगा, ये रहे वो ज़ेब्रास भाई जान। ये बकरे हैं मेरे ख्याल से, बकरों का ही कोई आइटम लग रहा है, इतने बड़े बड़े, ये बाहर के हैं कहीं के। अभी भाई एंट्रेंस के आसपास ही हैं, और ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे शटल चलती है, वो अभी आने वाली है, इधर से आएगी। और वो शटल का ये सीन है कि वो शटल फ्री है, मैंने अभी एक बंदे से पूछा तो वो आपको घुमाएगी पूरा अंदर ना। तो अगर आप चाहते हो उसमें बैठना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बैठ के आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो सारा। इस तरह से अगर आप पैदल घूमोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा।
मेरा भाई ये है बंगाल टाइगर, और बंगाल टाइगर ये देखो। अरे सो रहा है मजे से, तो उसको टेंशन ही नहीं है, परवाह ही नहीं है दुनिया की। वो बच्चे खेल रहे हैं टाइगर की। अच्छा इनको सबको फीड बराबर किया जा रहा है, उनकी सेहत सबकी मज़ेदार है। इस तरह नहीं जिस तरह जू दूसरे जू के अंदर दिखाते हैं मरने वाली हालत होती है जानवरों की, बहुत अच्छा रखा जा रहा है इन लोगों को। कर आ गए ये जो भूगी बस थी इनकी, तो बहुत अच्छा है, टाइम बच जाता है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ दो तीन स्टेशन से जहाँ उतरना है वहाँ पे आप उतर सकते हो। तो लाइन सेक्शन कवर किया हमने, उसमें कुछ फुटेजेस भी हैं, अभी आपने देखी होंगी, एडिट होके इससे पहले लगेंगी ऑब्वियसली। वो अब जा रहे हैं बोट्स की तरफ, बोट्स का हिसाब किताब क्योंकि मगरिब भी होने वाली, अंधेरा होने वाला, बोट्स का मुझे नहीं पता खुला होगा नहीं खुला होगा, बोट्स की तरफ जा रहे हैं वो देखते हैं अभी यार उसमें क्या है। भाई ये डायनासोर, किधर है भाई बोट्स वगैरह का क्या सीन है? बंद है। मैंने कहा था ना कि मगरिब होने वाली, अंधेरा हो रहा है, और मेरे ख्याल से बंद है अभी, कोई भी मुझे चलाता हुआ नहीं दिख रहा बोट्स को। ये रहे वो बोट्स, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टिकट काउंटर यही होना चाहिए इसका। अच्छा लंबा रूट है वहाँ तक। पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ, हॉस्पिटल है ये अंदर। बात ये दुबई के सिलिकॉन वैलीज का उसका लुक मार रहा है बिल्कुल, या नादर शिवा में बड़े बड़े विलाज हैं और रोड्स इस तरह से रात को, वो ये धमाके वगैरह वो सारे एरियाज का लुक मार रहा है ये रात को एरिया डाउन।